गुड आफ्टरनून क्लास, आज हम डिस्कस करते हैं थर्ड प्रोग्राम अपना, प्रोग्राम टू फाइंड फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन। रिकर्शन मतलब बार बार रिपीट करना। अब फिबोनाची पे मैंने कल आपको एक वीडियो भेजी थी, आप में से किसी को आई थिंक समझ नहीं आई है, तो हम देखते हैं फिबोनाची सीरीज होती क्या है। अब फिबोनाची सीरीज क्या होती है, जैसे कि सपोज हमारे पास जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो देन वन। फिबोनाची सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसकी सक्सीडिंग टर्म यानी कि जो नेक्स्ट टर्म है वो लिखी कैसे जाती है, बाय एडिंग प्रीसीडिंग टू टर्म्स। कैसे लिखी जाती है, सक्सीडिंग टर्म्स इज रिटर्न बाय एडिंग प्रीसीडिंग टू टर्म्स, यानी कि नेक्स्ट टर्म कैसे लिखी जाएगी, पहली दो टर्म्स को ऐड करके। सो जीरो और वन को ऐड करके क्या आता है, वन, तो नेक्स्ट टर्म हमारी वन ही हुई। वन और वन को ऐड करके क्या आता है, टू, तो नेक्स्ट टर्म हमारी टू हुई। वन और टू को ऐड करके क्या आता है, थ्री, तो नेक्स्ट टर्म हमारी थ्री हुई। टू और थ्री को ऐड करके क्या आता है, फाइव, नेक्स्ट टर्म फाइव। थ्री एंड फाइव गिव्स एट एंड सो ऑन, ये ऐसे चलती है। सो दिस इज व्हाट आवर फिबोनाची सीरीज, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बेस पे हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम टू फाइंड फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन। तो आपके पास पोज करो ये फिबोनाची सीरीज है, जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, टू प्लस थ्री फाइव। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक ज्यादा ही होंगी, ऑब्वियसली जीरो है इसलिए सिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। तो एन यहां पर स्टैंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, तो एन ये हुआ, एनथ टर्म ये हुई, एनथ लास्ट सेकेंड टर्म एन माइनस वन टर्म थ्री हुई, n माइनस ट्वेल्थ टर्म टू हुई एंड सो ऑन। हमारे पास इस तरीके से फर्स्ट टर्म हुई हमारी, एक तरीके से देख। सो व्हाट इज n है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। इसको हम यहां से शुरू करते हैं, तो ये आपके पास जीरोथ टर्म होगी, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। ये इस तरीके से हम शुरू करते हैं अपने से। सो यहां से अगर आप इस प्रोग्राम को लिखेंगे, थोड़ी वेदर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम टू फाइंड फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्जन, मीन्स बार बार रिपीट करना। कैसे, देखिए पहले हम अपनी हेडर्स फाइल इंक्लूड करते हैं, हैशटैग इंक्लूड एसटीडीआई स्टूडियो डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड मैथ डॉट एच। फिर हमारा इंटीजर यहाँ पर क्या यूज है, इंट फिब इंट एन, एन वेयर एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। स्टार्ट करते हैं अपने लूप को, इफ एन इज इक्वल टू जीरो और इफ एन इज इक्वल टू टू। अगर एन जीरो है एंड वन है तो रिटर्न जीरो, एंड टू है रिटर्न वन, एल्स अदरवाइज अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप ये रिटर्न करेंगे। दैट मीन्स आप क्या करेंगे, फिब एन माइनस वन प्लस फिब एन माइनस टू। तो बेसिकली इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, इसका मतलब क्या है, वो टर्म क्या होगी, जीरो होगी। अगर n इज इक्वल टू टू मतलब क्या है, यानी कि आपके पास दो टर्म्स है, यू हैव टू टर्म्स, तो क्या होगा, जीरो एंड वन, जीरो एंड वन टू टर्म्स, तो ये हुई। तो रिटर्न वन मतलब जीरो प्लस वन, रिजल्ट यू विल गेट वन एज अ आउटपुट, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है, एक ही टर्म, एन वन मतलब एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म हेयर। अगर आपके पास सिर्फ एक टर्म है तो आपके पास यानी कि वो टर्म कौन सी हुई, जीरो हुई। अगर आपके पास दो टर्म्स हैं, कौन कौन सी हुई, जीरो और वन, उनको ऐड करेंगे वन, तो रिटर्न वन, रिजल्ट देगा वन। एल्स अदरवाइज, अदरवाइज अगर आपके पास बेसिकली दो से ज्यादा टर्म्स हैं, व्हेन एन इज ग्रेटर देन टू, टू से मोर देन टू टर्म्स हैं, थ्री है, तो कौन कौन सी, वन टू है, वन जीरो वन टू, सपोज ये है, तो जीरो प्लस वन आपके पास मोर देन थ्री टर्म्स है, वन आ जाएगा, देन वन प्लस वन क्या देगा, टू देगा। तो इसका मतलब क्या है, ये तो आपके पास जो एन माइनस वन है और n माइनस टू, इन दोनों जो ये आपके पास टर्म जो है, अगर हम बात करते हैं थ्री टर्म्स की, जब हम बात करते हैं जीरो वन, ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई, ये आपकी हुई, क्योंकि इनका रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा। तो ये n हुआ, ये n माइनस वन हुआ, ये n माइनस टू हुआ। तो n माइनस वन और n माइनस टू को जब हम ऐड करेंगे यहां पर, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, व्हाट यू गेट, जीरो प्लस वन वन, तो आपकी nth टर्म आ जाएगी।
तो यहां से आपके पास ये लूप क्लोज हो गया। अगर एक ही टर्म है जीरो है तो रिटर्न जीरो, दो टर्म यानी जीरो और वन है तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, रिटर्न वन। तो इस तरीके से मोर देन टू टर्म्स के लिए ऐसे ही आपके पास सपोज फोर टर्म्स है, ठीक है, तो जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन टू, वन प्लस टू थ्री एंड सोन। इस तरीके से फिबोनाची चलती है यूजिंग रिकर्शन। मतलब अब आपके पास ये फॉर्मूला डिपेंड्स ऑन एन नंबर ऑफ टर्म जो भी आप एंटर करोगे अपनी आउटपुट के लिए। जब आप यहां एंटर करते हो तो यहां पर आप क्या करोगे, एंटर नंबर ऑफ फिबोनाची टर्म्स, ये आपने यूजर को मैसेज देना है। प्रिंट ऐप, प्रिंट ऐप करा रहे हो ना, क्योंकि यहां पर ये वाली लूप तो क्लोज होगी। फिर हमारे पास क्या है कि हमने एक नई लूप शुरू करी जिसमें हमने इंटीजर्स दिए, कौन कौन से हमारे दो इंटीजर्स है, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म, आई भी देखते हैं क्या है, तो आई को बताते हैं। तो एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है कि कितनी टर्म्स का आपने फिबोनाची में लेना है, फाइव सिक्स फोर एंड सोन कितनी है। प्रिंट ऑफ द फर्स्ट परसेंटेज जी फिबोनाची टर्म्स आर। अब देखो आई कैसे वर्क करेगा, आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई एन आई प्लस वन। यहां से देखिए तो यहां पर बेसिकली क्या है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, जब नंबर ऑफ टर्म है कब तक ये वर्क करता रहेगा, जब तक नंबर ऑफ टर्म्स के आपके पास छोटा है। वन से शुरू करेंगे आई को, वन से शुरू करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, तो और जब तक ये नंबर ऑफ टर्म्स से छोटा रहेगा, जैसे कि आपके पास मैं एन को टाइप करती हूँ, प्रिंट करती हूँ फाइव, ठीक है, तो यानी कि जीरोथ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, ये आ गए आपके पास वैल्यू। तो यानी कि यहां से आई क्या वेरी करेगा, इक्वल टू, यानी कि कब तक चलेगा आई, जब तक वो एन से छोटा रहेगा, ठीक है। आई आपके पास कैसे वेरी करेगा, आपके पास एन, आई लेस देन इक्वल टू एन, फिर हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे और फिर हम अपना फाइनली क्लोज कर देंगे लूप को।